सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर इनका प्रवचन 1 अक्टूबर। उत्सवों में भगवत प्रेम यही मुख्य भाग होता है। उत्सव के लिए तुम सभी को बहुत कष्ट हुआ। शादियों में मुख्य विवाह विधि में यानी अंतरपट धरकर सप्तपदी होने तक थोड़ा ही समय लगता है, परंतु इन संस्कारों का महत्व और गांभीर्य मन पर अंकित होने के लिए इतने 4 दिनों तक के उत्सव करते हैं। उसी तरह भगवान के उत्सव में भगवान का प्रेम प्रमुख होता है, बाकी आनंद और उत्साह के लिए पोषक होते इसीलिए होते होंगे। हमारा प्रत्येक त्योहार भगवान का स्मरण करवाने के लिए ही होता है। देव देवताओं के उत्सव का हेतु भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना यही होता है। दिवाली में भी पटाखे फोड़ना, मीठा खाना, फरियाल करना, ये सारी बातें बीते दुख को भुलाने के लिए होती हैं। उत्सव, त्योहार, धार्मिक कृत्य, तीर्थ क्षेत्र, पूजा पाठ आदि सभी का हेतु मुख्यतः भगवत प्रेम प्राप्त करना ही होता है। हमारे हाथ से घटित होने वाला प्रत्येक कर्म भगवान की कृपा से होता है, यही भावना निर्माण होनी चाहिए, जिससे हमारी हवस या तृष्णा नष्ट होकर उसकी जगह प्रेम उत्पन्न होगा। भगवत प्रेम आने के लिए उसका भय जाना चाहिए। भूत प्रेत में हमारा विश्वास नहीं, ऐसा हम कहते हैं, परंतु टोटका किया हुआ कोई आदमी मिलता है या भूत से पछाड़ा हुआ आदमी देखकर हमें उसका डर लगता है। जो डर हमें भूत प्रेत का लगता है, वही भगवान के प्रति लगेगा तो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान के प्रति का डर मन से निकाल दें। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, ये विश्वास रखें। परमेश्वर दया के सागर हैं। अपने बच्चे को दुख हो, ऐसा कभी किसी माँ को लगता है क्या? हम उसे मन से पुकारते ही नहीं, हम मनपूर्वक उसका नाम लेते ही नहीं, यही हमारी सारी गलती होती है। तब गोंदवले आए हो तो राम प्रभु के पास जाकर तुम एक ही मांगो, रामा तुम्हारा प्रेम हमें दो। तुम जो मांगोगे वो निश्चित ही देंगे, ये विश्वास रखो। वो इसीलिए यहां खड़े हैं। राम की भक्ति करने से हमारी गृहस्थी हम कल्पना नहीं कर सकते इतनी सुखमय होगी। किसी भी परिस्थिति में नाम स्मरण ना छोड़ें। भगवत नाम से ही उनका सहवास मिलेगा और उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। नाम भगवान का अत्यंत निकट का है, इसी नाम की तुम संगत रखो, उसका सदैव सहवास रखो, उसकी प्राणों से भी अधिक रक्षा करो, फिर ये नाम तुम्हें प्रत्यक्ष भगवान तक पहुंचाए बिना नहीं रहेगा। जहां राम वही नाम और नाम वही राम। सच में तुम नाम स्मरण में दंग होकर स्वयं को भूल जाओ, फिर राम तुम्हारे समक्ष ही खड़े हैं। दृश्य रूप में रहने वाला भगवान का संकेत यानी नाम ही है। नाम पर विश्वास होना महाभाग्य का लक्षण है। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।